बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज हम बना रहे हैं तह वाली सिंधी बिरयानी। इसके लिए सारे तमाम मसाले निकालेंगे। लहसुन अदरक है, ये गोश्त है हमारा तकरीबन 1.5 केजी, और 1.5 केजी चावल है, और ये बकरा ईद का स्पेशल गोश्त है हमारा, और इसको धो के साफ़ कर लिया। ये लहसुन अदरक और साबुत धनिया ज़ीरा वगैरह पीस लिया, तेल हमारा गर्म कर लिया हमने, और ये हमारा 1.5 केजी से ऊपर ही गोश्त है ये। और इसके लिए हमने मैंने 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज काट के इसको लाइट ब्राउन करना है हमें। और इसके लिए हमने तमाम मसाले निकाले, साबुत गरम मसाला और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। देखें प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई, तमाम पिसा हुआ मसाला हमने शामिल कर दिया। तो साबुत धनिया, ज़ीरा, जायफल, जावत्री, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें पीस के इसमें शामिल कर दिए प्याज में। अब हम इसमें तमाम ड्राई मसाले डालेंगे, कुटी मिर्च है हमारी और नमक है, इमली है, साबुत गरम मसाला है, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च है 1 टेबल स्पून। तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और देखिए हमारा मसाला भून रहा है। अब इसमें हम तमाम गोश्त शामिल कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसको आखिर में दोबारा भूनेंगे गोश्त जब हमारा गल जाएगा। और ये सिंधी बिरयानी बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके लिए मैंने 1 केजी टमाटर काट के रखे हैं गोल गोल, थोड़े मोटे साइज़ के, ताकि टमाटर भी हमारे नज़र आए। और पुदीने की एक गड्डी हमने ली है पूरी, उसके पत्ते तोड़ लिए और कुछ हमने पीस के भी मिलाएंगे इसमें हम, और कुछ साबुत पत्ते भी ऐड करेंगे। ये देखें हमने इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि ये गोश्त गल जाए और खूब अच्छे तरीके से हम इसको भूनना है आखिर में। अब मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दी। ये बिरयानी ख़ास तौर पर दुर्रे शेवार बना रही हैं, सिंधी बिरयानी, अपनी अम्मी से पूछ पूछ के। और ये देखें इन्होंने टमाटर काट के, 1 केजी गोश्त गल गया हमारा, तो अब इसमें हमने इन्होंने टमाटर शामिल कर दिए, अब साबुत हरी मिर्ची और पुदीना भी शामिल करा है। ये देखें अब इसको टमाटरों को गलने के लिए छोड़ेंगे। हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद और पुदीने के पत्ते भी शामिल कर दिए हैं। अब इसको कवर लगा के थोड़े टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे, यानी गल जाएँ थोड़े से। फिर उसके बाद हम इस चावल, इन्होंने 1.5 केजी भीगने रखे थे बासमती सैला चावल, अच्छा वाला चावल है हमारा, वो भीगने के लिए रख दिया था एक घंटा पहले। अब इसको थोड़े से पानी में पका लिया, फिर इन्होंने अब तह लगा रही हैं। ये अलग चावल निकाल लिए हैं ट्रे में। अब इसकी एक के बाद एक तह लगेगी, तकरीबन 3 से 4-5 तह लगाई हैं दुर्रे शेवार ने, और ये दुर्रे शेवार कर रही हैं। देखें बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं माशाल्लाह से। जब मूड में होती हैं तो करती हैं, वरना जब मूड ख़राब होता तो नहीं करती हैं। फिर कहती हैं अम्मी मुझे नहीं करना कोई काम। जब मूड अच्छा होता तो फिर पकाती हैं, बिरयानी भी पकाती हैं, आलू भरे पराठे भी बनाती हैं, और पुलाव भी बनाती हैं, पालक आलू भी बनाती हैं, सब्ज़ी भी बनाती हैं, गोभी भी बनाती हैं। देखें कितनी अच्छी इन्होंने तेह वाली सिंधी बिरयानी बनाई है। अब इसको डिश आउट करके दिखाएंगी और ये देखें। और ये वीडियो ना मेमूना तारिक बना रही हैं और पका दुर्रे शेवार रही हैं, और पीछे से अम्मी की वॉइस आ रही है। सब ने मिल के इसमें मेहनत करी है। प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये सिंधी बिरयानी बेहद मज़े की बनी थी। देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है और बहुत गर्म गर्म बोटी है, इसलिए तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अब दुर्रे शेवार तोड़ेंगी, मैं तोड़ने में नाकाम हो गई थी। अब ये दुर्रे शेवार बोटी तोड़ेंगी, बहुत गर्म बोटी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए ढेर सारी दुआओं के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।